गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम टू द बी आर स्टॉपर सो बी ए सिक्स सेमेस्टर का वर्ल्ड रीजनल जोग्राफी की हमारी क्लासेस चल रही हैं एज़ पर पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस इन ऑनलाइन मोड एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड ऑलरेडी दे आर एंजॉइंग द स्टडी बट दोज आर लेफ्ट दे कैन एनरोल नाउ ऑल्सो बाई कॉन्टेक्टिंग मी आई एम मनीषा ऑन माई व्हाट्सएप नंबर सेवन फाइव टू सिक्स एट टू सेवन फोर एट थ्री ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज हमने ईस्ट एशिया की फिजियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है बट बिफोर दिस लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द रीजन ईस्ट एशिया वैसे इसके इंट्रोडक्शन की एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है यू कैन सी दैट बाई सब्सक्राइबिंग द बी आर स्टॉपर इसमें मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी देखो ईस्ट एशिया जो रीजन है ये एशिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है जिसमें सिक्स कंट्रीज इंक्लूडेड हैं ये हैं चाइना मंगोलिया ताइवान नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और जापान ये सिक्स कंट्रीज़ मिल बनाती हैं एक रीजन ईस्ट एशिया यहाँ पे आपको मंगोलोइड रेस मिलेगी मंगोलोइड या येलो रेस के डोमिनेशन के कारण इन सभी कंट्रीज़ को एक ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है दैट इज़ ईस्ट एशिया रीजन ठीक है तो जोग्राफिकल यहाँ पे कोई ऐसी सिमिलैरिटी नहीं है जिस वजह से इसको एक रीजन माना है यहाँ पे सिमिलैरिटी किस चीज़ की है इनकी रेस की है मंगलोइड रेस यहाँ पर मिलती है डिटेल्ड वीडियो आप इसके इंट्रोडक्शन के चैनल पर देख सकते हो फाइन सो so, इसका लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यहाँ पे मेंशन है एंड वी विल बी डिस्कसिंग द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ईस्ट एशिया इस वीडियो में एंड इसका भी हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है तो देखियो फिजियोग्राफिकली ईस्ट एशिया रीजन को थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है फर्स्ट है माउंटेन रेंजिस कम प्लेटोज ऑफ द वेस्ट सेकेंड इज रिवर वैली प्लेन्स एंड थर्ड इज आईलैंड आर्स अब यहाँ पे देखो मैप में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ये सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं क्या देखो मैप में अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ये यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ये सारा येलो और ब्राउन पोर्शन है और ये है ग्रीन पोर्शन तो ये जितना भी वेस्टर्न पार्ट है अगर हम इसको वेस्टर्न और ईस्टर्न में डिवाइड कर दें तो वेस्टर्न पार्ट जितना भी है यहाँ पे आपको माउंटेन रेंजेस मिलेंगी ये डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेज़ हैं प्लस यहाँ पे क्या है प्लेटो रीजन है डेजर्ट टाइप की इसकी टोपोग्राफी है माउंटेन्स हैं प्लेटोज हैं और इनके बीच में कुछ डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं जिनको कि बेसेंस बोलते हैं ठीक है दैट इज वाई ये जो रीजन है हमने इसको एक पार्ट में कैटेगराइज कर दिया जिसका नाम है माउंटेन रेंजेस कम प्लेटोज ऑफ द वेस्ट वेस्टर्न पार्ट है माउंटेन रेंजेस कम प्लेटोज ऑफ द वेस्ट ठीक है उसके बाद है ईस्टर्न पोर्शन ईस्टर्न पोर्शन में ये जो रीजन है ये प्लेन एरिया है ग्रीन कलर से आप इमेजिन कर सकते हो कि एक प्लेन है और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिवर्स जितनी भी हैं ईस्ट एशिया की वो इसी रीजन में मेनली फ्लो करती हैं दैट इज़ वाई इसको रिवर वैली प्लेन्स कहते हैं ठीक है एंड यहाँ पे ये देखो ये इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं आपको सारी ईस्टर्न रीजन में ही फ्लो करती हुई दिखेंगी एंड यहीं पर ये अपना डेल्टाज़ वग़ैरह फॉर्म करती हैं सारा इस कोस्ट पर फाइन तो ये हो गया हमारा ईस्टर्न प्लिन जिसको कि क्या बोलते हैं रिवर के डोमिनेशंस के कारण रिवर वैली प्लेन्स बोलते हैं और वेस्टर्न पार्ट को माउंटेन्स प्लेटोज डेजर्ट्स और बेसेंस के डोमिनेशन के कारण क्या बोलते हैं माउंटेन रेंजेस कम प्लेटोज ऑफ द वेस्ट इसके बाद एक थर्ड जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है ईस्ट एशिया का वो है आइलैंड आर्क्स आइलैंड आर्क्स में देखो ईस्ट एशिया के जो मेन पाँच आइलैंड्स हैं वो आते हैं एक तो ताइवान कंट्री एक आइलैंड है दूसरा आइलैंड है जापान जापान में फोर आइलैंड्स इंक्लूडेड हैं इसमें जो सबसे नदन मोस्ट आइलैंड है दिस इज होकाइडो आइलैंड ये है होन्शू आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड जापान का देन दिस इज शिकोको शिकोकू हाँ एंड दिस इज क्यूशू आइलैंड ठीक है तो ये सारे जापानीज आइलैंड्स और ये ताइवान का आइलैंड ये सारे मिलके एक फिजियोग्राफिक डिवीजन बनाते हैं जिसको बोलते हैं आइलैंड ऑफ ईस्ट एशिया क्लियर तो इन फिजियोग्राफिक डिविजन में से आज हमने ये फर्स्ट वाला डिस्कस करना है इस वीडियो लेक्चर में माउंटेन रेंजेस तो मेनली तो वेस्टर्न पोर्शन सारा माउंटेन्स से करेक्टराइज है लेकिन इन माउंटेन्स के बीच में कुछ प्लेटोज भी हैं जिनको इंटरमाउंट प्लेटोज बोलते हैं एंड इंटर माउंट प्लेटोज इसीलिए कहते हैं मतलब इंटरमाउंट प्लेटोज क्या होते हैं जो दो माउंटेंस के बीच में प्लेटो रीजन होता है ठीक है तो माउंटेन से करेक्टराइज ये सारा रीजन है बीच बीच में जो प्लेटोज हैं इंटरमाउंट प्लेटोज उनको बोलते हैं और बीच में ही इनके कुछ कुछ डिप्रेश लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनको क्या बोलते हैं बेसेंस तो इन सभी फीचर्स से करेक्टराइज है माउंटेन रेंजेस कम प्लेटोज ऑफ द वेस्टर्न रीजन जो है ईस्ट एशिया का वो सारा ठीक है तो तीन चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है अब ये जो माउंटेन रेंजेस हैं मोस्टली ये पामिर नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही हैं जो कि तजिकिस्तान में है एंड यहाँ से औरिजिनेट होकर फिर ये डिफरेंट डिफरेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में दिखाई देती हैं तो ये पामिर नॉट क्या है ये भी एक प्लेटो ही है इसको नॉट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एक ऐसा रीजन है जहाँ से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस निकलती हुई हमें दिखती हैं हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी माउंटेन रेंजेज हैं ये सारी यहाँ पे आके मिल रही हैं या यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं वी कैन इमेजिन ठीक है imagine, तो वेस्टर्न और इंटीरियर पार्ट जो है ईस्ट एशिया का वो सारा इन्हीं माउंटेन रेंजेस से कैरेक्टराइज uh, है एंड ये जो माउंटेन रेंजेस हैं मोस्टली कहाँ से निकल रही हैं पामिन नॉर्थ से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है कुलून माउंटेन रेंज ये कुलून माउंटेन रेंज है जिसकी एवरेज हाइट 1500 मीटर है अबव सी लेवल और ईस्टवर्ड ये रन कर रही है एंड ईस्टवर्ड रन करते हुए ये डाइवर्ज हो जाती है या बाइफरकेट हो जाती है मतलब दो पार्ट्स में ये टूट जाती है एक पार्ट है अल्टीन टाग और दूसरा है सिनलिंग माउंटेन्स तो यहाँ पे ये कुल्लून माउंटेन रेंज है एक इसकी ईस्टवर्ड ईस्टवर्ड जब ये ट्रेवल कर रही है तो ये बाइफरकेट हो रही है दो माउंटेन रेंजेस में एक अल्टन टाग है और दूसरी सिलिंग माउंटेंस अल्टिंग टाग जो माउंटेन है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कुल्लून से सेपरेट हुई है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये रन कर रही है और ये एक आर्क की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है इसकी भी एवरेज हाइट 1500 मीटर है अबव सी लेवल बिकॉज कुल्लू माउंटेन रेंज का ही पार्ट है ये और इसको आगे जाके नैन बोला जाता है आगे इस रीजन में इंटीरियर में इसको क्या बोलते हैं नैनशन माउंटेन रेंज हवांग रिवर के पास का ये आ, एरिया है यहाँ पे इसको नैन शैन कहते हैं ठीक है इसके बाद जो सिलिंग माउंटेन रेंज है वो ईस्टर्न मोस्ट बाइफरकेशन है कुल्लून माउंटेन रेंजेस की ही सेंट्रल चाइना में ये एक बर्ज की तरह है एक आर्क है साउथ ईस्टर्न पोर्शन में ठीक है उसके बाद है थीन शान माउंटेन रेंज ये काफ़ी हाई माउंटेन रेंजेस हैं सिक्स थाउजेंड मीटर इनकी एवरेज हाइट है ये भी पामिर नॉर्थ से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिनका नाम है पो बेडा और खान टेंगरी यह आपको नोट्स में मिला हुआ है जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है जिनको नहीं मिला है या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है दे कैन कॉन्टैक्ट मी टू गेट द नोट्स ऑफ दिस लेक्चर या ईस्ट एशिया के कंप्लीट नोट्स लेने के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये हाई माउंटेन रेंजेज़ हैं दो पोबेडा एंड खान टेंगरी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग बॉर्डर ऑफ चाइना एंड द रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान तो यहाँ पे ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान है जिसके बॉर्डर पे ये थीन शैन माउंटेंस फिर आगे जाके ट्रैवल करते हैं इसके अलावा और इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं अल्टाई माउंटेंस हैं ये ओल्ड फोल्ड माउंटेंस हैं जो कि मंगोलिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है दिस इज मंगोलिया एंड इसके साउथ वेस्टर्न पोर्शन में कौन सी माउंटेन रेंज है अल्टाई माउंटेन रेंज उसके बाद सयान माउंटेंस हैं सयान के ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस हैं जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है एंड uh, uh, उनका नाम है येब्नोलोवी एंड स्टेनोवोई तो येब्नोवी और स्टेनोवोई ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है सयान माउंटेंस के ठीक है सयान माउंटेंस पामिर नॉर्थ से नहीं निकल रहे हैं ये आगे से कहीं और से निकल रहे हैं ठीक है तो ये सारा नोट्स में मेंशन में किया हुआ है मैंने यू कैन रीड आउट दिस उसके बाद है इंटर माउंट प्लेटोज इंटर माउंट प्लेटोज में तीन इंपॉर्टेंट प्लेटोज हैं प्लेटू ऑफ तिब्बत गोभी प्लेटू एंड और ऑर्डो लोएस प्लेटू प्लेटू ऑफ तिब्बत देखो इसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है लोकेशन इसकी ये है दिस इज द लोकेशन ऑफ तिब्बत प्लेटू एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई ऑल्टीट्यूड इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं अब देखो रूफ ऑफ द वर्ल्ड ना दो चीज़ों को कहते हैं तिब्बत प्लेटू को भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और पामिर नॉट को भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ठीक है दोनों को ही बोलते हैं एंड इसकी एवरेज हाइट फोर थाउजेंड से फाइव थाउजेंड मीटर की है एंड ये कवर करता है अबाउट एटीन से ट्वेंटी लैक् स्क् किलोमीटर का एरिया कोल्ड डेजर्ट है ये बिकॉज ऑफ द माउंटेन रेंजेस ऑब्वियसली देखो यहाँ पे हिमालयन माउंटेंस हैं यहाँ कुल्लू माउंटेंस हैं इसके बीच में ये तिब्बत प्लेटो लाई करता है दैट इज़ वाई ये कोल्ड डेजर्ट प्लेटू है और यहाँ पे बहुत सारी फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर की लेक्स मिलती हैं उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट गोभी प्लेटू गोभी प्लेटू जो है ये इनर मंगोलिया और नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में है ये मंगोलिया प्लेटू है यहाँ पे ही गोभी प्लेटो की लोकेशन है ठीक है तो ड्राई और कोल्ड प्लेटू है ये भी इसकी एवरेज हाइट थाउजेंड से फिफ्टीन हंड्रेड मीटर की है देन नेक्स्ट इज़ ओडोस लोएस प्लेटू ओडोस लोएस प्लेटू हमें मिलेगा इस रीजन में अब देखो यहाँ पे लोएस का क्या मतलब है ये मंगोलिया और गोभी प्लेटो से ना विंड्स जब आती हैं तो ये अपने साथ ना फाइन डस्ट पार्टिकल्स लेके आती हैं येलो कलर की और वो इस हवांग रिवर वैली रीजन में ला उसको डिपॉजिट कर देती हैं दैट इज़ वाई यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है हवांग रिवर उसको येलो रिवर भी कहा जाता है और क्योंकि वो यहाँ पे येलो कलर के डस्ट पार्टिकल्स को सैंड को डिपॉजिट करती है दैट इज़ वाई यहाँ का जो आ, मिट्टी है वो येलो कलर की है एंड इसीलिए उसको लोएस कहते हैं उस येलो कलर की मिट्टी को लोएस कहते हैं दैट इज़ वाई इस प्लेटो का नाम भी ऑर्डोर्स लोएस प्लेटो है ये ग्रेट बैंड जो तो वांग हो रिवर का है वहाँ पे सिचुएटेड है इसकी लोकेशन है और ये लोएस की डेपोजिशन से बना है जो कि गोभी और मंगोलियन प्लेटो से आती हैं दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड ऑडोर्स लोएस प्लेटो ठीक है इसके बाद है बेसेंस ऑफ ईस्ट एशिया मतलब माउंटेन रेंजेस कम्प्लेटोज ऑफ़ द वेस्ट जो हम एक फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ ईस्ट एशिया का उसका ही थर्ड टॉपिक है या थर्ड पॉइंट है बेसेंस बेसेंस में तीन इंपॉर्टेंट बेसेंस हैं जाइडम बेसिन ट्राइम बेसिन और जुंगेरियन बेसिन जाइडम बेसिन जो है ये सबसे छोटा बेसिन है काफ़ी छोटा है लो हाइट का है एवरेज हाइट इसकी ऑलमोस्ट टू थाउजेंड मीटर्स की है ये कुल्लू माउंटेन रेंज और अल्टीन टाग के बीच में लाई करता है यू कैन सी द मैप यहाँ पे ये देखो ये कुल्लू माउंटेन रेंज है और ये अल्टिन टाग यहाँ पे बीच में है जाइडम बेसिन ठीक है तो ये इसकी लोकेशन है यहाँ पे और इसको कोकोनोर भी कहा जाता है एंड ये ना मार्शिस से कवर्ड एक बेसिन है मार्शिस का मतलब मड वाली जो लैंड होती है दलदल टाइप का उस तरह की इसकी टोपोग्राफी है स्मॉल स्ट्रीम्स और लेक्स हैं यहाँ पे अयाग कुमकुर और अच्निक कुल ये इम्पोर्टेंट दो इसकी स्ट्रीम्स हैं उसके बाद है ट्राइम बेसिन ये एक लार्ज डिप्रेशन लाइक बेसिन है ये है हमारा सिंकियांग रीजन में जहाँ पे थीन शान माउंटेंस और अल्टिन टाग के बीच में ये सिचुएटेड है मैप में आपको दिख रहा है ये थीन शान माउंटेंस और ये अल्टिंग टाग इसके बीच में जो एक बेसिन है उसका नाम है ट्रैम बेसिन ठीक है ये एक लार्ज डिप्रेशन है इसकी हाइट फाइव से टू थाउजेंड मीटर की है इनलैंड बेसिन है ये जिसमें बहुत सारे सॉल्ट पैंस लेक्स और रिवर्स हैं सदर्न पार्ट जो ट्राइम बेसिन का है वो डेजर्ट है एंड इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक तरफान बेसिन है यहाँ पे इसके नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में इसकी जो एलिवेशन है वो सी लेवल से भी कम हाइट की है ठीक है तो सी लेवल से भी नीचे की तरफ है इसका जो हाइट है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बेसिन है वो है ज़ुंगेरियन बेसिन ये है हमारा अल्टाई माउंटेंस और थीन शान के बीच में तो ये देखो ये ज़्यादातर ना माउंटेन रेंजेस के बीच में ही लाई करते हैं अल्टाई और थीन शान इनके बीच में है ज़ुंगेरियन बेसिन ये एक प्लेटोलाइक बेसिन -like है जिसमें नैरो गैप है वेस्ट पार्ट में जिसको जुंगेरियन गेट बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि ये बेसिन कॉन्टीन्यूस नहीं है यहाँ पे कुछ ना इसमें एक गैप है जिसको जो कि एक पास का काम करता है एक गेट की तरह है जिसको जुंगेरियन गेट कहते हैं ये गुड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है मंगोलिया और चाइना के बीच में इसकी एवरेज हाइट 500 मीटर से भी कम है ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ईस्ट एशिया रीजन का जो फिजियोग्राफी है उसका हमने इसमें फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है दैट इज़ माउंटेन रेंजेज कम ऑफ द वेस्ट ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक ये हमने सारे माउंटेन रेंजेस इंटर माउंट लैडूज और बेसेंस ये सारे कर लिए हैं मोस्टली जो कि पामिर नॉट से औरजिनेट हो रहे हैं पामिर नॉट के भी मैंने सेपरेट वीडियो चैनल पर डाली हुई है यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड सी ऑल द वीडियो ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग वीडियोज ठीक है एंड इस टॉपिक के या ईस्ट एशिया के कम्प्लीट या जो आपका बी ए सिक्स सेमेस्टर का कम्प्लीट सिलेबस है उसके नोट्स और इसी तरह के आपको मैप्स मिलेंगे यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर एंड यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन द क्लासेस तो उसमें आपको इसी तरह के कलरफुल uh, मैप्स मिलेंगे जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड होंगे नोट्स इसके कम्प्लीट आपको मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे ठीक है तो हरियर यू कैन एनरोल बाई कॉन्टेक्टिंग ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर सेवन फाइव टू सिक्स एट टू सेवन फोर एट थ्री आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे एंड uh, इसी तरह से आपने अच्छे से स्टडी करनी है एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग स्टडी के लिए आप प्लीज़ ये ज्वाइन करिए यू विल बी यू विल एन्जॉय द स्टडी ठीक है जोग्रफ़ी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी अभी बेशक आपको मुश्किल लगती होगी लेकिन हम इसको बहुत ईजी वे में एक्सप्लन करते हैं सो देट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स बस स्टडिंग इन दिस टाइप ठीक है थैंक यू सो मच गुड लक